हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज मैं लेके आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। आप कहोगे कढ़ी तो हमेशा बनाती है, लेकिन आज की जो कढ़ी है एक तो वो छाछ की बनी हुई है, वो भी गांव की छाछ की, और साथ ही इसमें अलग ही टाइप का मैंने पकोड़े नहीं बल्कि कुछ और मिला के इस कढ़ी का जायका बढ़ाया। तो चलो बनाते हैं कढ़ी। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लेना है। अब कढ़ी ज़्यादा है तो मैंने कढ़ाई भी बड़ी ली है, इसलिए मैंने लोहे की बड़ी कढ़ाई ली है। और जैसे ही मेरा तेल गरम हो गया दोस्तों, उसमें मैंने मिला दिया करी पत्ता। ये देखिए करी पत्ता खूब सारा था, मैंने 2-3 डंडी इसमें करी पत्ता डाल दिया। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बिना करी पत्ते की भी कढ़ी बन जाती है। और अब मिला दिया मैंने इसमें बेसन। आपको पता ही है मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो बेसन को मैं पहले ही भून लेती हूँ, जिससे कि बाद में बेसन कच्चा ना रहे। तो इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच बेसन ले लिया है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमें ब्राउन करना है, कम से कम हमें इसे 2 मिनट के लिए तो फ्राई करना पड़ेगा। जब आपको खुशबू आने लगे ना बेसन की, तो हाँ भाई हमारा बेसन अब भून चुका है। और अगर किसी की नाक बंद है, उसे नहीं पता चल रहा भुनी हुई है कि नहीं, तो आप 2 मिनट तक ही भूनिए, घड़ी से देख लीजिए, आपको 2 मिनट ही इसे फट 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 जल्दी जल्दी भूनना है। और इसकी एक और पहचान है, थोड़ा सा ये गीला होने लगेगा, पहले सूखा सूखा था ना, यानी ये तेल छोड़ने लग जाता है, इसका मतलब ये बेसन हमारा भुन गया, इसकी ये पहचान है। ये देखो ये है मेरे पास छाछ, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त लेके आए हैं गाँव से, वो भी प्योर छाछ, और बहुत ही टेस्टी होती है छाछ, इसे तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज इसकी स्पेशल कढ़ी बनाते हैं, अलग ही टेस्ट की, अलग लेवल की कढ़ी बनेगी, देखना। और अब क्या करना, जैसे ही आपका जो बेसन भुन गया है, अगर आपके पास ये छाछ नहीं है तो आप कोई भी लस्सी से भी, या लस्सी भी ना हो तो दही तो होगी ना, दही में पानी घोल के आपको इस तरीके से धीरे धीरे डालते रहना है। अगर आप एकदम से सारा डाल दोगे ना तो उसके गुलगुले बन जाएंगे, मोटे मोटे से वो बन जाते हैं ना, गांठें बन जाती हैं, तो हमें धीरे धीरे डालते रहना है और बेसन के साथ उसे मिक्स करते रहना है। अब हमें जितनी पतली कढ़ी चाहिए आप उसमें उतना ही पानी मिला दीजिए। तो जिस बोतल में मेरी ये छाछ आई थी मैंने उसी में पानी भरा और उसी को इसमें मिक्स कर दिया। वैसे छाछ होती तो पतली ही है, लेकिन बेसन है इसमें तो ये बराबर लेवल की हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छाछ तो पानी वाली ही थी ना। तो देख लीजिए आपको कितना पतला चाहिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे वो नमक और हल्दी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला दीजिए, वैसे कढ़ी में ज़्यादा नमक ही अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इसमें मिला देंगे हम छोटी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, बस अभी इसमें हमें और कुछ नहीं मिलाना। और अब हमें इसका उबाल का वेट करना है। और ये देखिए 5 मिनट बाद ही इस पर उबाल आने लग गया है, और हमारी ना 5 मिनट में ये कढ़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब ये हमारी जो ये कढ़ी है ना ये पक चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, पकोड़े नहीं डाल रहे हम लोग, ये किसी, मैं दूसरे टाइप की कढ़ी बना रही हूँ दोस्तों, तो ये पकोड़े वाली कढ़ी नहीं है, ये है वेजिटेबल कढ़ी, और जो कि इतना अच्छा स्वाद आने वाला है इस कढ़ी का ना, मुझे 100% विश्वास है कि आपने कभी ऐसी कढ़ी नहीं खाई होगी, और आप एक बार इस कढ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्जियों वाली कढ़ी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हमने एक पैन में फिर से सरसों का तेल ले लिया है, और जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए हम उसमें मिला देंगे सरसों दाना। लाल मिर्ची मिला दी है हमने, लाल मिर्ची तोड़ दीजिएगा, जो इसके बीज आते हैं ना खाते वक्त, कढ़ी के खाते वक्त, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें मिला दी है हींग, चुटकी भर हींग मिला दीजिएगा। अगर हींग नहीं है तो दोस्तों आप थोड़ी सी ना इसमें अजवाइन भी मिला सकते हैं, अगर हींग नहीं है घर में, क्योंकि बेसन की चीज़ होती है ना, तो लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कढ़ी से कईयों को हो जाती है, तो थोड़ा सा इसमें अजवाइन मिला दीजिएगा अगर आपके पास हींग नहीं है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा आलू चॉप करके। हाँ दोस्तों, कभी खाइए कढ़ी में आलू, लेकिन जब इस बार इस तरीके से बनाओगे ना बहुत मज़ा आने वाला है। और हमें इन आलू को अच्छे से फ्राई करना है,
और जैसे ही आपके जो ये आलू हैं थोड़े से ब्राउन हो जाए ना, अब आप इसमें मटर मिला दीजिए। ओहो, थोड़ा सा ना इस पर वो लग गया था, एकदम से मैं डर गई कि ये क्या हो गया, बट फिर वो हट गई, बुझ गई आग। अच्छा है ना, इससे जो सब्ज़ी में ना अलग सा ही फ्लेवर आ गया था, तंदूरी सा फ्लेवर। तो उसके बाद मैंने इसे ढक दिया, क्योंकि जो आलू और मटर है वो पकने में टाइम लगाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए सिम में पकने दिया। और 2 मिनट बाद देखा तो जो हमारे आलू थे वो अच्छे से, पता, फ्राई फ्राई से भी हो गए और अच्छे लगने लगे देखने में, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने इसमें मिला दिया है प्याज लंबे लंबे काट के और हरी मिर्ची। और इसे भी हमें अब सौते करना है, प्याज को हमें ब्राउन तो करना नहीं है अच्छे से, बस हमें इन्हें सौते सौते करना है, क्योंकि हम पकोड़े नहीं डाल रहे, लेकिन ये पकोड़ों की कमी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेगा। आपको ये कड़ी बिल्कुल प्लेन नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आप चाहो तो चावल के साथ वही कड़ी खा के सब्ज़ी को आप साइड डिश करके खा सकते हैं। ये सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी जब बनी थी तो, लेकिन हमने तड़का इस्तेमाल नहीं किया उसमें, तो मैंने क्या किया, पकौड़े भी नहीं बनाए, तड़का भी नहीं है, तो अब सीधा सब्जियों का ही तड़का बनाया और इस सब्ज़ी को ही हम कड़ी में डालेंगे। लेकिन अभी सब्ज़ी हमारी बनी नहीं है, अभी इसमें और भी सब्ज़ियाँ आएंगी, तो इस वक्त इसमें मैंने क्या मिला दिया है, नमक, जीरा पाउडर अपने स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची मिला दी है मैंने इसमें, थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। ये लाल मिर्ची मैंने कलर वाली ली है, सब्जियों का अच्छा कलर आएगा, क्योंकि हरी मिर्ची है ऑलरेडी तो तीखा तो है ही, तो अगर आपको और तीखा खाना है तो आप लाल मिर्ची और मिला सकते हो। और 1 मिनट हम इसे मसालों के साथ भूनेंगे। जब 1 मिनट हमारे मसाले भी भुन गए, तो अब हमें इसमें पता क्या डालना है, पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी तो जल्दी ही गल जाती है, इसलिए हम इसे पत्ता गोभी को और शिमला मिर्च को लास्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि इसे हमें सिर्फ अब 2 मिनट ही पकाना है। और मैंने थोड़े से गाजर भी ले लिए हैं, थोड़े से, सिर्फ आधा गाजर लिया है, छोटा छोटा बारीक काट लिया है। जब ये कड़ी में ना क्रंची जैसा आएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसे आप अच्छे से भूनते रहिए, हिलाते रहिए। अब मैंने सोचा था कि पत्ता गोभी बहुत हो गया, रहने देते हैं, लेकिन सब्जी जब गल के कम हो गई तो मैंने जो काटी हुई थी पूरी की पूरी ही इसमें मिला दी, क्योंकि जो छाछ की कड़ी है थोड़ी सी कम हो गई, तो जब हमारी सब्जी डलेगी तो हमारी कड़ी भी गाढ़ी हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो अब मैंने सारी की सारी, ये कम से कम मेरी आधी पत्ता गोभी है और 1 शिमला मिर्च है। तो दोस्तों, इसमें हमने डाला है आलू, मटर, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, है ना, हमारी रंगीन सब्जियाँ और सबसे हेल्दी सब्जियाँ ये, और इस सीज़न की सब्जियाँ हैं। और इस तरीके से हमें सब्जी को भूनना है। हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी एक्चुअली जो कड़ी है ना, उसकी जान होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में अगर हम कसूरी मेथी मिलाते हैं तो। और इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, और जब ये कसूरी मेथी भी अच्छी तरह सब जगह हिल जाए तो आप इसे 2 मिनट के लिए पका लीजिए, जो हमारी सब्जियां हैं वो और अच्छे से गल जाएंगी। 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 5 मिनट लगा इसे सब्ज़ी बनाने में। और ये हम इसे ढक देते हैं और 2 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। और 2 मिनट बाद हमने देखा तो हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से गल चुकी थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी सब्ज़ी की। तो आप मिक्स वेज को भी ऐसे बना सकते हैं, है ना, इजी। और अब हमारी जो कड़ी थी वो हमने फिर से आँच में रख दिया, सेम आँच में। और ये जो हमने तड़का, समझ लो एक तरीके से हमने इसे कड़ी में तड़का दे दिया है सब्जियों का, और ये सारी सब्जियाँ इस कड़ी में गई और बन गई हमारी ये टेस्टी सी छाछ वाली वेजिटेबल कड़ी। और अब इसमें मैंने मिला दिया 1 चम्मच काला नमक। और जिस पैन में हमने सब्ज़ी बनाई थी उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाला और उसे भी इस हमने कड़ी में मिला दिया। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है कड़ी,
तो दोस्तों पकोड़े वाली कढ़ी तो आपने बहुत खाई होगी, एक बार ये कढ़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये कढ़ी। और अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और अब इस कढ़ी को हम खाएंगे भात के साथ, बहुत ही मज़ा आया था उस दिन। तो ज़रूर बनाइएगा वेजिटेबल कढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।